नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का मीडिया पर एक बार फिर से। मैं हूं शिवम शुक्ला, इस वक्त खड़ा हूं सनसेरिया में स्थित दुर्गम भवानी धाम पर। इसके पहले आप लोगों को हम दर्शन करा चुके हैं रागीपुर में स्थित दुर्गम भवानी का। तो फिलहाल आज आपको आप लोगों की रिक्वेस्ट पर या फिर आप लोगों की जरूरत को समझते हुए हम लोग मंदिर की जो श्रृंखला बना रहे हैं, मंदिरों के दर्शन की जो श्रृंखला बना रहे हैं, उसमें एक और कड़ी जोड़ते हुए इस एपिसोड में आप लोगों को दर्शन कराएंगे सनसेरिया स्थित दुर्गम भवानी माता दुर्गा के मंदिर का। आइए चलते हैं मंदिर के अंदर और मुलाकात करते हैं पुजारी जी से। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाना न भूलें, धन्यवाद। माता मंदिर में प्रवेश हेतु हम इन सीढ़ियों का प्रयोग करते हैं। इसके पहले हम दर्शन करना शुरू करें, आइए पहले नज़र डाल लेते हैं समूचे मंदिर प्रांगण पर। माँ दुर्गा के मुख्य मंदिर के अलावा एक शिवालय तथा माँ दुर्गा के ही दो अन्य मंदिर, 3 से भी अधिक हवन कुंड, हनुमान जी का एक मंदिर व शनिदेव के 2 मंदिर समेत 1 बाराधरी इस समूचे मंदिर प्रांगण में है। नीम का यह विशाल काय वृक्ष माता मंदिर के ठीक सामने है। ये मुख्य मंदिर के प्रवेश द्वार पर बनी सीढ़ियां हैं, जिनका प्रयोग कर श्रद्धालु माता मंदिर में प्रवेश प्राप्त करते हैं। प्रवेश प्रांगण में चौतरफा घंटे बने हुए हैं। विशेष अवसरों पर घंटनाद की ध्वनि अक्सर मनमोहक सिद्ध हुआ करती है। चलिए माता के दर्शन प्राप्त करें। माता के मंदिर में परिक्रमा करने भर का पर्याप्त स्थान है। जगत जननी माता के मंदिर में आकर जो सुख व शांति प्राप्त होती है, उसके विषय में वर्णन कर पाना मुश्किल है। मुख्य मंदिर के ठीक बगल में एक शिवालय भी है, जिसके दर्शनोपरांत शिवालय के ठीक बगल में स्थित माँ दुर्गा के हम दूसरे मंदिर में दर्शन प्राप्त करते हैं। माँ दुर्गा की मनमोहक मूर्ति समस्त कष्ट हर लिया करती है। इस मंदिर के ठीक सामने एक नीम का पेड़ भी है। चलिए अब माता मंदिर के दूसरे छोर पर बने मंदिरों का दर्शन प्राप्त करते हैं। ये भगवान विष्णु का मंदिर है, आरती यहीं से शुरू होती है। भगवान का मंदिर है जी, यहाँ से आरती शुरू होती है और यहीं आके रखी जाती है। अच्छा, यहाँ से शुरू करते हैं आरती हर जगह करके फिर यहीं पे दोबारा। ठीक है, आगे भी मंदिर है, आइए। चलिए अन्य मंदिरों के दर्शन भी प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ पर क्रमशः 4 मंदिर हैं, जिनमें से सर्वप्रथम हम दर्शन करेंगे बाबा बजरंगबली का। मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानरयूथ मुख्यम श्रीरामदूतम शरणम प्रपद्ये। इसके बाद हम शनिदेव के दर्शन प्राप्त करते हैं, जो हनुमान जी के ठीक बगल में बने मंदिर में स्थापित हैं। उसके ठीक बगल बने मंदिर में माँ दुर्गा की मूर्ति स्थापित है, आइए माता के दर्शन प्राप्त करें। पीछे की दिशा से माता का मुख्य मंदिर कुछ इस प्रकार दिखता है और यह दृश्य मुख्य मंदिर के ठीक सामने का है। मंदिर के बाहर ही हमें मंदिर के सेवाकार व कुछ ग्रामीण मिले, आइए दिखाते हैं उनसे बातचीत का अंश। आरती, आरती का सुबह समय क्या है? 5 बजे सबेरे और शाम के 7 बजे। सुबह 5 बजे और शाम को 7 बजे। अच्छा, तो कोई विशेष दिन है जैसे कालीकंद धाम में जाने के लिए सोमवार? वैसे दुर्गा माँ का सोमवार हफ्ते में सिर्फ सोमवार के दिन यहाँ पर अधिक भीड़ होती है, यहाँ पे मेला भी लगता है। प्रसिद्ध मंदिर के विषय में थोड़ा बहुत बताएंगे हमारे दर्शकों को, थोड़ा बहुत कुछ भी इतिहास के बारे में, जैसे माता रानी का ये मंदिर कब बना, कैसे इसको, इसकी उत्पत्ति के विषय में कुछ कोई नहीं बता पाएगा इतना। आपका सुनना था बबलू सिंह, यही के निवासी हैं आप? यही के। अच्छा, तेजगढ़ के निवासी हैं। सर हम लोग आए हैं, अमेठी हब नाम का चैनल है हमारा, और अमेठी या आसपास के जुड़े हुए इलाकों में जितने भी सुप्रसिद्ध मंदिर हैं, जो भी स्थान है, उन चीज़ों के विषय में अपने दर्शकों को दिखाते हैं, इसके विषय में बताते हैं, जहाँ तक तह तक जाने की कोशिश करते हैं।
तो कुछ ऐसा इतिहास अगर माता रानी के विषय में आपको पता हो, इस धाम के विषय में पता हो तो जरूर जरूर साझा करें, इससे लोगों की जो रुचि है इस विषय मंदिर के विषय में जानने की थोड़ा सा और वो हो सके। अगर कुछ बता सकते हैं और ज्यादा कुछ नहीं पता है, मतलब इतना प्राचीन मंदिर है कि उत्पत्ति के विषय में तो बिल्कुल पता ही नहीं है। बीच मंदिर जब बनने लगा तो इसमें बहुत मूर्तियां निकली, तब से बता दें किसने क्या पुराना क्या। अच्छा अच्छा कुछ आप बता दीजिए कुछ। अरविंद सिंह जी, तो आपका सुनाम क्या है? भैया रामेश्वर प्रसाद पांडे। रामेश्वर प्रसाद पांडे जी से मुलाकात हुई। तो कहीं ना कहीं मंदिर इतना पुराना है कि माफी चाहते हैं आप लोगों से कि इसके इतिहास के विषय में बहुत ज्यादा हम आपको नहीं बता पा रहे हैं। ये खाली माहौल देखकर हम यहाँ पर पहुंचे थे, आजकल सोमवार का दिन है तो यहाँ पे भक्तों की भीड़ इतनी ज्यादा हो जाती है कि शायद यहाँ पर उनका तांता लगा रहता है, पैर रखने की जगह नहीं होती, इस वजह से हमने शाम का समय चुना है। आपको ये खाली दिख रहा प्रांगण, जो आपको खाली दिख रहा होगा, गिने चुने इक्के दुक्के लोग दिख रहे होंगे, ये इसी वजह से है कि हम शाम को आए हैं। तो हमारे आज के एपिसोड में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में साझा करना न भूलें। नमस्कार, मैं हूँ शिवम शुक्ला, जल्द हाजिर होऊंगा एक नया एपिसोड लेकर।